और 4GB 64GB वाला जो वेरिएंट है वो 20,000 या 18,000 में भी मिल जाता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा सैमसंग का फोन आप पाकिस्तान में बाय कर सकते हैं जिसमें सुपर एमोलेड का डिस्प्ले, 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज आपको मिलेगी। तो ये फोन है गैलेक्सी S9 वाला और साथ में S9 प्लस वाला फोन भी आपको मिल सकता है। तो कैसे आप सोच रहे होंगे कि ये फोन पाकिस्तान में 20,000 में आप बाय कर सकते हैं, तो ये पिन डॉटेड वाले वर्जन है जो कि आपको स्क्रीन के अंदर थोड़ा बहुत डॉट लगा होता है उस तरह के मॉडल मिल जाते हैं। कहाँ से आपको ये फोन मिलेंगे उसके बारे में भी बताता हूँ और कितनी प्राइस में ये मिल जाते हैं। तो गैलेक्सी S10 वाला फोन है जो 45,000 में तो अच्छी डिस्प्ले वाला मिलता है फोन, यूज्ड के अंदर 8GB 128GB वाला, लेकिन 35,000 तक ये OLX से आप बाय कर सकते हैं जिसमें आपको डिस्प्ले के अंदर डॉट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा S10e वाला फोन है जो 40,000 या 35,000 में भी मिल जाता है, 6GB 128GB वाला वेरियंट। और इसके साथ S10 Plus वाला फोन भी है जो कि 50,000-55,000 तक आपको मिलेगा, 8GB 128GB वाला वेरियंट। तो इसके अलावा अगर आपने बजट रेंज में फोन लेना है तो S8 Plus, S9 और Note 9 वाला फोन आपको 20,000-25,000 में मिल जाएगा डॉट वाले डिस्प्ले के साथ, या बिना डॉट के भी आपको 20,000-30,000 में ये फोन मिल जाते हैं। 6GB 128GB वाले वेरिएंट भी हैं इनमें, और 4GB 64GB वाला जो वेरिएंट है वो 20,000 या 18,000 में भी मिल जाता है, लेकिन डिस्प्ले के अंदर आपको डॉट देखने को मिलता है जो कि आप पे डिपेंड करता है अगर आप डॉट डिस्प्ले वाला फोन यूज कर सकते हैं। तो इनमें आपको स्पेसिफिकेशन भी काफी तगड़ी मिल जाती है। पाकिस्तान में अभी जो फोन मिलते हैं नए डब्बा पैक भी आप लें गेमिंग के लिए तो उनसे भी काफी ठीक है। 4GB 64GB की स्टोरेज इसमें आपको मिल जाती है और सबसे बड़ी बात के सैमसंग की ब्रांडिंग है और सुपर एमोलेड का डिस्प्ले है। और आपको क्या चाहिए, S9 वाला जो फोन है इसमें एमोलेड डिस्प्ले है 1080p रेजोल्यूशन वाला, जो कि किसी जमाने में फ्लैगशिप फोन हुआ करता था, वो आप बजट रेंज में बाय कर सकते हैं। तो जब ये लॉन्च हुआ था इसमें एंड्रॉयड 8 ऑपरेटिंग सिस्टम था और एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट इनमें आ चुकी है 1UI 2.5 के साथ। और इनमें जो प्रोसेसर है वो सैमसंग का अपना है Exynos 9810 वाला, जो कि 10nm टेक्नोलॉजी वाला है, तो काफी तगड़ा जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन 845 वाले चिपसेट के कंपैरिजन में आता है। तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफी ठीक आपको मिल जाएगी, जो अभी बजट रेंज में G80 G85 वाले चिपसेट मिलते हैं तो उनसे काफी ठीक परफॉर्मेंस ये भी दे देंगे। 4GB की इसमें रैम है, 64GB स्टोरेज है UFS 2.1 वाली और LPDDR4X वाली आपको रैम मिल सकती है। सिंगल कैमरा है बैक पे 12 मेगापिक्सल का, लेकिन इससे आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 60fps के अंदर। और फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, इससे भी क्वाड HD के अंदर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। स्टीरियो स्पीकर इस वाले फोन में मिलते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पे मिलता है और बाकी के सेंसर भी सभी फ्लैगशिप किस्म के इसमें मिल जाते हैं। 3000mAh की बैटरी मिलती है, 15W का फास्ट चार्जर है साथ में, तो बैटरी के ही ज्यादा इशू होते हैं, थोड़ी बहुत बैटरी टाइमिंग आपको कम मिलती है तो वो आप चेंज भी करवा सकते हैं बाद में। तो अगर आपको इतना सस्ता सैमसंग का फोन मिल रहा है तो मेरे ख्याल में डब्बा पैक फोन लेने से कहीं बेटर है कि आप यूज्ड के अंदर फोन ये ले सकते हैं, लेकिन अच्छी कंडीशन में लेना। अगर आपको यूज्ड फोन लेने आते हैं या किसी ऐसे बंदे को लेकर जाना साथ में जिसको फोन का कुछ पता हो, तो ये डॉट डिस्प्ले वाले जो फोन होते हैं आपको बड़ी सिटीज में ऐसे मिल जाते हैं इजिली, कराची, लाहौर, बिग सिटी से आप जाकर इनको बाय कर सकते हैं, या OLX पे भी काफी ज्यादा लोग हैं जो इस तरह के फोन सेल कर रहे हैं, तो आप चेक करके इनसे कॉल वगैरह पे अच्छी तरह कंफर्म करके तभी बाय करना। तो ये दोस्तों एक अलग टाइप की वीडियो थी, अगर आपको न्यू डब्बा पैक फोन से जरा हट के भी वीडियो इस तरह की पसंद है तो कमेंट में जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।